डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने हाल ही में कंफर्म किया कि वो मिस्टर इंडिया 2 लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद फैंस खुशी से झूम उठे। पहले तो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इस फिल्म में शाहरुख खान और रणवीर सिंह साथ में नजर आएंगे, लेकिन अली अब्बास जफर ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि अभी तक उन्होंने किसी को भी कास्ट नहीं किया है। लेकिन इसी बीच अब मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर ने अली अब्बास जफर पर अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल एक यूजर ने ट्वीट करके लिखा था, इट इज कम्प्लीटली अ बैड आइडिया, दिस फिल्म शुड नॉट रीमेड फॉर इट्स कल्ट क्लासिक स्टेटस, नो वन एवर कैन मैच श्रीदेवी जी पावर हाउस परफॉर्मेंस एंड स्क्रीन प्रेजेंस एंड अमरीश पुरी स्टीलर एक्ट, इट विल फेल वेरी बैडली, सर प्लीज कुछ करो। जिसके बाद शेखर कपूर ने जवाब देते हुए लिखा, नो वन हैज इवन आस्क्ड मी और मेंशन टू मी अबाउट दिस फिल्म कॉल्ड मिस्टर इंडिया 2। आई कैन ओनली गेस दैट दे यूजिंग द टाइटल टू गेट अ बिग वीकेंड, फॉर दे कैन नॉट यूज द कैरेक्टर स्टोरी विदाउट द परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ द फिल्म। शेखर कपूर के इस ट्वीट के बाद लगातार यूजर कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, जहाँ कुछ का कहना है, दे कैन यूज ओनली नेम टू गेट ऑडियंस अटेंशन, बट मिस्टर इंडिया विल नेवर बी सेम विदाउट शेखर कपूर सर एंड श्रीदेवी मैम। These days Bollywood is high on cut copy paste mode. Please sir, Mogambo was only one. Amrish Puri ke alawa aur koi bhi nahi ban sakta. It can should never happen again. Mr. India happened to be only one. No trilogy is required. It is a cult classic. Don't let it get remade. Wahi logon ka ye bhi kehna hai ki hum Mr. India 2 nahi dekhna chahte hain. Waise dosto aapki kya raaye hai? Kya Mr. India 2 banni chahiye ya nahi? Hame comment karke zarur bataye aur Bollywood se judi tamam khabron ko janne ke liye आप हमारे साथ बने रहिए।